सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए उस पर काम चल रहा है। पहले की सरकारें नकल कराने का आश्वासन देती थीं, लेकिन आज नकल मुक्त परीक्षाएं होती हैं। प्रदेश में विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग बढ़ गई है। आज उत्तर प्रदेश में 2 साल पहले एक भी सरकारी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय A+ श्रेणी या ए श्रेणी का नहीं था। नेक रैंकिंग में ग्रेडिंग होती है। आज उत्तर प्रदेश में 2 साल के अंदर सरकारी विश्वविद्यालय 6 A++, 4 A+ और 4 A, ऐसे निजी विश्वविद्यालय 4 A++ और 4 A ग्रेडिंग प्राप्त कर चुके हैं। इस और बी और उसकी श्रेणी की तो बात मैं कर भी नहीं रहा। ऐसे ही UGC की जो ग्रेडिंग है उसमें नंबर 1 की ग्रेडिंग में लखनऊ और कानपुर विश्वविद्यालय आ चुके हैं। इस तरह आज UP में देश के सर्वाधिक ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय हो चुके हैं। और जब ग्रेडिंग प्राप्त होते हैं तो शिक्षा का स्तर भी सुधरता है और शिक्षा का प्रसार भी होता है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है, सरकार का लक्ष्य है कि वहां पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय खोलने का संकल्प पत्र में हमारा संकल्प था, जो 2 साल में योगी जी की सरकार ने पूरा किया है। अब योगी जी के निर्देश पर हम एक ऐसी नीति बना रहे हैं जो असेवित जिले थे, जहाँ कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है, उच्च शिक्षा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके, यह संकल्प लेकर योगी जी ने हमको निर्देशित किया है कि उन जगहों पर भी विश्वविद्यालय आए, निजी विश्वविद्यालय आए, तो उनके लिए इंसेंटिव्स की नीति बन रही है, जिससे कि लोग आकर्षित होंगे, वहाँ विश्वविद्यालय खोलेंगे। और जब अच्छे विश्वविद्यालय खोलेंगे तो और अंतिम छोर पर बैठे तो उनके वहीं के छात्रों को वहीं पढ़ने की सुविधा मिलेगी, वहीं दूर जाने के लिए अनावश्यक खर्चा से बचेंगे और शिक्षा का व्यापक प्रसार प्रचार होगा। गुना में